एक बड़ा एक ट्रेजिक और बड़ा डिप्लॉरेबल किस्म का वाकया है ये, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। और ये जो हमें पता लगा है ये 10 साल से ये वाकया वहां पर ये चीज हो रही है और किसी को पता नहीं है। और आपको पता है इस किस्म की चीजें जो होती है वो सप्रेस्ड रहती है, अंडरग्राउंड रहती है, और उसमें ठीक है कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, बड़ा माइनर किस्म का माफिया हो जो उसको चला रहा होता है। लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी हमने अभी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लापरवाहियां किधर हुई हैं। शुजा साहब, अभी तक आपको क्या पता लगा है, क्या सबूत, क्या चीजें आपके पास आई हैं? जी, हमारे पास अभी सबूत सिर्फ वीडियो जो कैसेट है जो बनी है, हमारे पास सिर्फ वही सबूत है। जो लोग कहते हैं कि 200-300 इसमें बच्चे हैं या बच्चियां हैं, तो उसका भी एग्जैक्ट तादाद हमें पता नहीं है, वो अभी उस ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सारी चीज जा रही है इसमें। और शुजा खानजादा साहब, आप खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि वाकया हुआ, ये डीपीओ राय बाबर सईद को आप जानते हैं कसूर के? बिल्कुल जी, से जी वो एक तरफ तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि 70-80 वीडियोज हैं, वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, लेकिन साथ ही वो ये बातें भी कर रहे हैं कि बढ़ा चढ़ा के इसको बयान किया जा रहा है और शायद ये वहां के मकामी झगड़े हैं जिनको असल में इस वाकये का रूप दे दिया गया। एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल बात की। देखिए, यहाँ पर ये जो हुसैन खान वाला गांव है, इसमें दो ग्रुप है जो कि आपस में पोलिटिकल टसल भी इनकी होती है और वो दमन उसकी टसल भी होती है। ये बिल्कुल जो डीपीओ साहब ने बात की है, ये थोड़ी सी बड़ा चढ़ा कर अभी ये चीज बाहर आ रही है कि इसकी नोयत जो है, उसकी जो डिग्री है वो बहुत हाई लेवल पर जा रही है। इतनी नहीं है जो कि मुझे पता लगा है, जो कि मैंने थोड़ी अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट किया है, इतना नहीं है जो कि दिखाया गया है। लेकिन फिर भी हम यहां पर, ये प्री मेच्योर होगा अगर मैं आपको इसकी कोई नोयत बता दूं कि डिग्री लेवल की है। हमारी इंक्वायरी ऑलरेडी जारी है, इसके ऊपर हमारे इन्वेस्टिगेशन अफसरान बिल्कुल बैठे, वो काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये इंक्वायरी मुकम्मल करके बिल्कुल आपके चैनल पर भी हम बताएंगे कि क्या हुआ है इसके मुताबिक। चले शुजा खानजादा साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसकी पूरी तहकीकात करेंगे, इन घिनौने जुर्म में मुलव्वस मुलजिमान को आप सजा देंगे, ना कि जिस तरह पुलिस ये कह रही है कि इतना बड़ा वाकया नहीं जितना बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप इसको इस तरह से नहीं समझेंगे और वाकई इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया जियो न्यूज से बात करने के लिए।